हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा।
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भौ पार हो जाए, राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भौ पार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी उद्धार हो जाए, राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भौ पार हो जाए। नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है, और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने, और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भूल गए
उनके पाप तमाम परम पद अंत में पाए। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। वीर हनुमान, जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है, जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। है उनके दिल में बसे श्री राम वो सीना फाड़ दिखलाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में खील लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाए। अवध में जन्म लिए श्री राम जो पावन धाम कहलाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुनके भगवान विष्णु प्रभु श्रीराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर
ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। अंत में दर्श दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नलनील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नलनील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान, आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम, वो पत्थर डूब ना पाए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में
इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। भगत के वश में हुए भगवान वो जूठे बेर भी खाए। जग में सबसे बड़ा राम प्रभु का नाम, सबके मनोरथ सिद्ध करें सियापति श्री राम। जीवन नैया जो फंसे तेरी बीच मझधार, छोड़ दे नैया राम सहारे राम करेंगे पार। कष्ट सताए जो कोई भजोरे मन श्री राम, सारे कष्ट मिट जाएंगे लेते पावन नाम। रामायण जो भी पढ़े राम में मन को रमाए, उसके बिगड़े काम बने जीवन सफल हो जाए। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हो राम भजे होए त्रिविध कल्याण। काम क्रोध मद लोभ मरे मन का मिटे अंधकार, राम नाम रटते रहो भरे ज्ञान भंडार। इस जग में दो चीज है, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति हो पैसे से हर काम। राम नाम का जाप करो प्राणी सुबह हो शाम, आयु बल विद्या बढ़े मिले मान सम्मान। जब सारे मुँह मोड़ ले सूझे न कोई उपाय, नाम भजो श्री राम का प्रभु लेंगे अपना। राम नाम ही सत्य है मिथ्या सब संसार, राम ही तारे राम उबारे राम करे भव पार। राम नाम के कीर्तन से सुखी रहे परिवार, दूर हो मन की दुर्बलता जागे उच्च विचार।
राम नाम के जपने से मिटता है अभिमान, राम कृपा से निर्धन भी हो जाता धनवान। से रक्षा करे शत्रु से राम बचाए, करते दूर कुसंगति को जीवन सरल बना। राम नाम किस्मत चमकाए सपने करे साकार, राम की जिस पे हो कृपा बढ़ता रहे व्यापार। भव बंधन को दूर कर मुक्ति दिलाते राम, सबका भाग्य विधाता है पावन प्रभु का नाम। राम नाम को लूट ले लगे न कोई दाम, शुरू से लेकर अंत तक राम ही आए काम। भक्तों की कभी न होती हार, विजयी हो हर क्षेत्र में राम की महिमा पार। सुख शांति वैभव बढ़े हर दिन बढ़ती आए, पूर्ण हो मनोकामना राम जो होए सहाय। भक्तों पे दया सदा करते दया निधि श्री राम, श्री राम के नाम से बनते बिगड़े काम। श्रद्धा सहित श्री राम का करता जो गुणगान, यश कीर्ति वैभव मिले चमके सूर्य समान। नाम लेकर करे दीन हीन को दान, धन उसका कभी ना घटे जग में बने महान। राम के चरणामृत का जो भी करे रस पान, राम की उस पे हो कृपा कभी ना हो परेशान। भोग में तुलसी डाल कर जो प्रसाद को चढ़ाए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो मन चाहा फल पाए। जहाँ हो प्रतिमा राम की वहाँ न शोक समाए, पूजन से श्री राम के घर भी स्वर्ग हो जाए। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो
संत कलयुग में राम नाम अमृत कलयुग में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या राम नाम नहीं तो जीना 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 क्या पार करे भव सागर पीले राम नाम का प्याला पीले राम नाम का प्याला फिर काशी और मदीना क्या राम नाम नहीं तो जीना 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 क्या
महा तपस्विनी शबरी जा को नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया माँ भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। थी शबरी भक्तन न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि माँ शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बल्कि कहते थे, ये कौन दिखात कुटी मा नारी, ते उत जाती है मूद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिना सुख सो नहीं बैठत एक घरी, यही के तन में कछु पीर भई, ये वियोगिन मान समाहि जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी। मतंग शबरी को बताए बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए, सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर,
शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब माँ शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। माँ शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी, चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी, ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी माँ बिछाती थी। शबरी माँ सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी माँ राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे के अखियां पंथ निहारे। जर जर हो गई काया फिर भी, जर जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। समय समय के साथ बीतता गया, माँ शबरी अब बूढ़ी हो गई। माँ शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। माँ शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी, मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज जहां पर कुंभ का मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी माँ शबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से ये इच्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर
उसके राजा पति ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। ये बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और ईश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना। इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में चाहे तुम मुझे भीलनी बना देना, मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन ना हो। वो राजकुमारी अगले जन्म में माँ शबरी बनी, वही माँ शबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी। वो सुंदर आसन लगा के स्वच्छ कुटिया को सजा के राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के और ना अब तड़ पाओ राम मेरे आ भी जाओ दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी पूर्ण करो अरमान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी, बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो हर वक्त हे राम बोलती रहती थी। प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज, ध्यान से सुनो, मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूं। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं। माता शबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। आंसू भरी आंखों से माँ शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी। दोनों हाथों को जोड़कर
दौड़े दौड़े माँ शबरी ने प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम, मैं तो दो जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी, राम लक्ष्मण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पांव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए, भक्त न शबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मित्रों, मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा, वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है। और वो बात ये है कि ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है, मगर हम ईश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण हैं। हम पैदा तो इंसान के रूप में होते हैं, मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है। इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो, और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने, दयालु बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे ईसा मसीह के रूप में। जो भी इंसान ईश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर की बात है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है। उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है। मन हो गर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो जूठे बेर भी खाते। प्रसाद की बात करें क्या, वो जूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे है अनजान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी, साउंड इंजीनियर
श्री कैलाश डंडरियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगीतकार लवली शर्मा, मैं आपका अपना रविराज और वीर म्यूजिक परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुलाओ भक्त और भगवान की जय। रास्ता सालों साल बुहारा, जीवन बीत चला है सारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम। जब तक श्वासा तब तक आशा, कहती दुनिया सारी। जब तक श्वासा तब तक आशा, कहती दुनिया सारी। प्रेम बावरी दरस दीवानी, तकती राह तिहारी। कर दो मेरा पार उतारा, कर दो मेरा पार उतारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, राम ही राम पुकारे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, राम ही राम पुकारे। रात ढले जब राम की माला, लेते चांद सितारे। राम के बिना नहीं है गुजारा, राम के बिना नहीं है गुजारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम।
तमन्ना कब हूँ तुम्हें निहारे। राम ही राम गुजरने वाली कहती सभी बहारे। जपता अंबर में ध्रुव तारा, जपता अंबर में ध्रुव तारा, अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम। मैं क्या जानूं काहे इतनी लगी हुई है देरी। मैं क्या जानूं काहे इतनी लगी हुई है देरी। मन का कमल खिला दो रघुवर, ले लो सुध अब मेरी। कर दो कुटिया में उजियारा, कर दो कुटिया में उजियारा, अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम। सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीता राम सीता राम विधि का विधान जान,
हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे राम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वो ही जोशी राम जी को भाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वो ही जोशी राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे काम रस त्याग प्यारे राम रस चखिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे
श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवान, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवान, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवान, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवान, मेरा नाम हो रहा है।
श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। भरत वंश के प्रतापी राजा महाराज दशरथ के सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने परम धाम अयोध्या पधार रहे हैं। कर लो स्वागत की तैयारी, कर लो स्वागत की तैयारी, मेरे राम अयोध्या आए हैं, हर ओर सजा दो फुलवारी, हर ओर सजा दो फुलवारी, मेरे राम अयोध्या आए हैं। कर लो स्वागत की तैयारी, घर घर में दीपक जलने दो, दुल्हन सी सजा दो नगरी को, आई दीपावली फिर से प्यारी, आई दीपावली फिर से प्यारी, मेरे राम अयोध्या आए हैं। के सब मुस्काते हैं, हर्षित है नगर के नर नारी, हर्षित है नगर के नर नारी, मेरे राम अयोध्या आए हैं। प्रभु अपने घर को, प्रभु अपने घर को, ये बेला है अति मनहारी, ये बेला है अति मनहारी, मेरे राम अयोध्या आए हैं। कर लो स्वागत की तैयारी, मेरे राम अयोध्या आए हैं। ¡
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलिए रघुवंश मणि रघुकुल भूषण, पतित पावन प्रभु राम चंद्र जी महाराज की। भक्त जनों, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन है। श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर मानव जीवन को जीना सिखाया भक्तों, और रावण के पापों का अंत कर मां धरती का भार भी हरा था। तो ऐसे रघुवंश मणि के हाथों किस किस का कल्याण हुआ, आइए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चरणों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नार अहिल्या श्रापित नारी, नार अहिल्या श्रापित नारी, रामा रामा रटती जाए, कैसे रघुबर पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई। रावण द्वारा मचाए गए आतंक से, उसके द्वारा फैलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गई। जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु आपका तो वचन है जब जब पापी बढ़ेंगे पाप बढ़ेगा, साधु संतों का हनन होने लगेगा, तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे, तो इस बार प्रभु देर क्यों लगा रहे हैं, कृपा कर मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पाप ताप संतापों का हरण कीजिए। प्रभु आपने मत्स्यावतार में ऋषि मनु को बचाया, वरा अवतार में धरती को बचाया, तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारण कीजिए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई, भगवान अब अवतार धराओ, मेरे संकट आन मिटाओ, असुरों के आतंक से मुझको हे नारायण आप बचाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अब तार बताया। माँ धरती के आह्वान पर श्री हरि ने माँ धरती को ढाढ़स बंधवाया और वचन दिया, हे धरती माँ, मैं शीघ्र ही अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और लीला करते हुए आपके सारे पाप ताप संतापों का हरण कर लूंगा। यह सुनते ही माँ धरती और अन्य देवी देवतागण हर्षाने लगे, श्री हरि विष्णु की जय जयकार लगाने लगे। अब समय आ गया था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु
अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप धारण करें और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करें। तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। नगरी अयोध्या दशरथ के घर, जन्मूंगा मैं रघुवर बन कर। देवी देवता धरती के संग, विष्णु की जयकार लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। अपने दिए गए वचन के अनुसार श्री हरि विष्णु ने प्रभु राम के रूप में जन्म लेने हेतु महाराजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया। उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धरती को और धरती वासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सारी नगरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, ठुमक ठुमक कर चलते। जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते तो पिता दशरथ और माता कौशल्या मन ही मन हर्षाते। माँ कौशल्या डर डर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है ये तो साक्षात नारायण हरि है, जग के पालनहार हैं, जो इस धरती का कल्याण करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। नगरी अयोध्या पावन कीन है, राम रूप अवतार थलीन है। ठुमक ठुमक चलते जब रघुवर, मात पिता मन मन हर्षाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। महाराजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जन्म लिया था। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। चारों राजकुमार प्रांगण में खेलते कूदते शिक्षा ग्रहण करते धीरे धीरे युवावस्था में आ गए। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, गुरु माता की सेवा करते, आश्रम की सेवा करते और कभी भी इस बात का भान नहीं करते कि वो तो एक राजा के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात चारों कुमार युवावस्था में अयोध्या नगरी को आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु अयोध्या नगरी घी के दीप जला रही है। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। गुरुवर के फिर आश्रम आए, गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए। गुरु माता की सेवा करते, नियम व पालन करते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। चारों कुमार अयोध्या नगरी लौट आए हैं, और जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या नगरी तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। चहुओर खुशियों का वातावरण है। माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड़ लड़ा रही हैं। पिता के तो मानो पंख ही लग गए हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रहे हैं। कि तभी एक दिवस महाराजा दशरथ के महल में मुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरथ जी चिंतित होते हैं और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। नगर निवासी थे हर्षाए, मात पिता तो मोद मनाए। उसी घड़ी फिर नगरी अयोध्या, गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सहित दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया। परंतु गुरुवर के मुख का विषाद देखकर उनसे प्रश्न करते हैं, प्रभु बताइए आपको क्या कष्ट है जो इतने क्रोध में, इतने विषाद में आप अयोध्या आए हैं। तब मुनि विश्वामित्र दशरथ को बताते हैं, दशरथ तेरे राज्य में राक्षस हमें तंग करते हैं, हमारा यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञ की अग्नि में मांस और हड्डियां डालकर अपवित्र करते हैं। इस हेतु तुम तुरंत राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वनों में भेजो, वो हमारे यज्ञों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे। दशरथ सुन चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभु, मैं चलता हूँ सेना लेकर। परंतु तब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है, अतः इन्हें आदर सहित गुरुवर के संग जाने दीजिए। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए हैं। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। राक्षस यज्ञ को भंग है करते, असुर हमें तो तंग है करते। राम लखन मेरे संग भेजो, गुरुवर यह आदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गुरुवर संग वन को थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। वन में घूमते घूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है। तब प्रभु राम पूछते हैं, भगवान ये स्थान इतना निर्जन क्यों? तब गुरुवर बताते हैं, पुत्र ये पापन ताड़ का राक्षसी का स्थान है, ये मनुष्यों का आहार करती है, सावधान रहना और इसका अंत करना। तब प्रभु राम गुरुवर से कहते हैं, प्रभु नियम के अनुसार स्त्रीवध पाप है, परंतु गुरुवर कहते हैं कि ये स्त्री नहीं, ये राक्षसी है। तब राक्षसी ताड़ का अट्टहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है। ऐसे ही राम लक्ष्मण अनेक अनेक असुरों का अंत करते हैं और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरुवर अब अत्यंत प्रसन्न है,
वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं, यज्ञ कर पाते हैं कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है। अब राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं। गुरुवर संग वन में थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए, असुरों का फिर अंत थकीना, गुरुवर ने आशीष था दीना। फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। मार्ग में एक वीरान उजाड़ सा आश्रम देख राम और लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। गुरुवर से पूछते हैं, प्रभु ये क्या माया है, ये किसका आश्रम है? कि तभी एक शिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है जिससे राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। इस पर गुरुवर बताते हैं कि यह श्रापित नारी अहिल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर पत्थर की शिला में बदल दिया है। संक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरण किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। लेकिन मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे तब उनके चरणों की रज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे रघुवर, अब इस श्रापित नारी को श्राप से मुक्त कराओ, जाओ इसे अपनी चरण रज छुआकर भवसागर से पार कर दो। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया, एक शिला फिर वहां पर देखी, ज्योति रामा रामा रटती, पत्थर जप रहा राम नाम को, राम लखन कुछ समझ न पाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। प्रभु श्री राम गुरु चरणों में शीश नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब गुरुवर बताते हैं कि गौतम ऋषि बहुत महान तपस्वी थे, जिनके तप से इंद्र डरता था और इनके तप को भंग करने हेतु उसने कुटिल योजना बनाई। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए तब उसने गौतम ऋषि का रूप धरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया, और अहिल्या ने उन्हें पति जानकर उनके साथ पति धर्म का पालन किया। जब गौतम ऋषि आए उन्होंने इंद्र को अपने स्वरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती तो इंद्र की थी, तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दिया। अब देर न करो पुत्र, अपने चरणों की रज छुआकर इस श्रापित नारी का उद्धार करो। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या, इंद्र के हाथों धोखा खाई, गौतम ने श्रापित करवाई, श्राप के कारण नार अहिल्या देखो शिला में बदली जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
आओ रघुबर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर के चरणों में शीश नवाकर प्रभु श्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण शिला पर पड़ते हैं, शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है। नतमस्तक हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवाद करती है कि उनकी चरण धूलि से वो श्राप से मुक्त हुई, और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु वो अपने पति के पास जाना चाहती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पति के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए। इनकी चरण धूलि से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर आज्ञा पालन कीन्हे, चरण की रज से पार्थ कीन्हे। इन चरणों के पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए।